नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। और हमारी जो सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो है, लास्ट वीडियो। आज के बाद जो हमारी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक यूजिंग इंस्टेंट आर्टिकल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से जो एड का यूनिट जनरेट करवा के आप अपने इंस्टेंट आर्टिकल में एड कर सकते हो। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारा वीडियो प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किया और आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप हमारे सभी वीडियो को वॉच कर लीजिए, इस पूरी सीरीज़ को। तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक्चुअली फेसबुक में से अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा डेस्कटॉप पे हमने रिसेंट वीडियो में जहाँ पे हमने लीव किया था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे पेमेंट यानी कि पे आउट अकाउंट ऐड किया था। और आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप पे आउट अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट्स को कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फेसबुक की तरफ से एडवर्टाइज मिलेगी, जैसे कि आप गूगल एडसेंस में एड यूनिट जनरेट करवा के आसानी से अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको यही मान के चलना है कि आप एक वेबसाइट में आर्टिकल लिख रहे हो और इसमें एड जनरेट करवा के आसानी से अर्निंग कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, आप जैसे आपकी फेसबुक ऐप में आओगे तो यहाँ पे आपको देखिए ऑडियंस नेटवर्क में आपको एक प्लेसमेंट का ऑप्शन दिखा देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टेटस चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस और आपको जो प्लेसमेंट आईडी दिखाई देगी तो यहाँ पे इनेबल होने चाहिए। अगर यहाँ पे आपको एक्टिव नहीं है और आप इसमें ट्राई करते जाओगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसके बाद आप कमेंट करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो यहाँ पे आप क्लियरली जो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए गेट कोड पे आपको एक बटन दिखाई देगा। आपका स्टेटस चेक करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा गेट कोड, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक कोड मिल जाएगा फेसबुक की तरफ से। तो यहाँ पे आपको देखिए ऊपर यानी कि आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, इंस्टेंट आर्टिकल और रेक्टेंगल। तो ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपको जो कुछ नोट है वो आसानी से यहाँ पे आपको पढ़ लेनी चाहिए। बिफोर इंसर्टिंग द कोड बिलो मेक श्योर टू कंप्लीट द गेटिंग स्टार्टेड गाइड योर एनेबल फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क इन योर ऐप। एडिशनल ऑप्शन आर कवर्ड इन द इंस्टेंट आर्टिकल रेक्टेंगल गाइड। तो यहाँ पे आपको फेसबुक की तरफ से कहा गया है कि आपको फेसबुक पेज मैनेजर नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ जाके और आपकी फेसबुक पेज में इंस्टेंट आर्टिकल में जाके कॉन्फ़िगर में क्लिक करके आपको ऑडियंस नेटवर्क को एनेबल करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो वो सब तो हम सभी पहले वीडियो में कर चुके हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बटन दिखाता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो अब देखिए ये कोड सक्सेसफुली क्लिक यानी कि सेव हो चुका है और कॉपी भी हो चुका है। इतना करने के बाद आपको इसे यहाँ से क्लोज कर देना है और इसके बाद आपको जाना है फिर से आपकी फेसबुक पेज में, वहाँ पे जहाँ जिस पेज में आपको अप्रूव मिल गया है वहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको इंस्टेंट आर्टिकल में जाना है, यानी कि सबसे पहले आपको पेज में जाना है। पेज में जाने के बाद पब्लिशिंग टूल पे जाना है। पब्लिशिंग टूल में जाने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टेंट आर्टिकल के सेक्शन में प्रोडक्शन आर्टिकल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके पास जो अवेलेबल आर्टिकल है वो इसकी लिस्ट दिखाई देगी जो सक्सेसफुली पब्लिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक आर्टिकल को देखिए इस तरह से चूज़ करना है जिस आर्टिकल में आप एड प्लेस करना चाहते हो। तो देखिए इस तरह से मैं चूज़ कर लेता हूँ हाउ टू सेटअप फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल। तो जो रिसेंटली हमारा वीडियो था इसके बारे में आर्टिकल है। तो यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकॉन दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारा कोड मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप अपनी आर्टिकल में कितनी बार एड शो करवाना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपके आर्टिकल की जो लेंथ के ऊपर वो डिपेंड करता है हाईली। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह का आर्टिकल है। तो यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में लिखते हो तो आपको देखिए जहाँ जहाँ पे आपका जो पी टैग यानी कि पैराग्राफ टैग एंड होता है वहाँ पे आपको एक बार एंटर प्रेस करना है इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करोगे तो आपने जो भी वहाँ पे हमने कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके बाद आपको चेक करना है। तो यहाँ पे हमने जो दूसरा पैराग्राफ है, देखिए यहाँ पे, तो वहाँ पे हमने ऐड किया है। और इसके बाद हम लास्ट में यानी कि वॉच वीडियो के ऊपर एक ऐड को ऐड कर देंगे इस तरह से कंट्रोल वी करके। तो यहाँ पे हमारा एडवर्टाइजमेंट प्लेसमेंट सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट जो स्टेप है वो सेव बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको हमें एक वार्निंग मिल गई है कि यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट प्लेसमेंट वो रॉन्ग है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका आर्टिकल के लेंथ पे वो डिपेंड करता है हाईली, कि यहाँ पे जो हमारा एक यूनिट यहाँ पे बढ़ गया है तो यहाँ पे हम इसे रिमूव कर देते हैं और एक ही एड यूनिट रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो कहीं पर ऐसा होता है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपके आर्टिकल कितना लंबा है और कितने लेंथ है, इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने आर्टिकल में कितने एडवर्टाइजमेंट यानी कि एड यूनिट एड करोगे। तो इतने होने के बाद यहाँ पे देखिए हमने सक्सेसफुली सेव कर दिया। इसके बाद यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करना है, और इसके बाद जो आपका वो फाइनल स्टेप है वो है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अनपब्लिश, तो आपको सिलेक्ट करके एक्शन पे जाना है यहाँ पे, और पब्लिश बटन पे आपको क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो आप एडिट करते हो, इसके बाद ऐसा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको लाइव लिखा होगा, इसका मतलब कि सक्सेसफुली वो पब्लिश हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी हम इसे ओपन करते हैं तो इसमें आपको एडवर्टाइज नहीं दिखाई देगी। तो अब हम चलते हैं अपनी एंड्रॉयड मोबाइल में, और वहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इंस्टेंट आर्टिकल में जो हमारा एड हमने ऐड किया था वो आ गया है या नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल में। तो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी एंड्रॉयड मोबाइल में, और वहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था सब कुछ सेटिंग्स करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की रिकमेंड होगी, वो है फेसबुक पेज मैनेजर। तो आपको प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड करनी है, इसके बाद आपको इसे यूज करना है। तो यह आज की जो वीडियो है वो हमारी सीरीज की लास्ट वीडियो है। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि किस तरह से फेसबुक से अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जो हमने रिसेंटली एक आर्टिकल को जो एडिट किया था, हाउ टू सेटअप। तो देखिए यहाँ पे हाउ टू सेटअप इंस्टेंट आर्टिकल, तो इसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे का तीन डॉट पे क्लिक करके आपको जाना है यहाँ पे इंस्टेंट आर्टिकल पे। तो देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट आर्टिकल, और वहाँ पे आपको देखिए एक पोस्ट दिखाई देगी, हाउ टू सेटअप फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल फॉर वेबसाइट। तो इस पर आपको यहाँ पे एक पर क्लिक करना है। तो देखिए वो आर्टिकल सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी जो इसमें सचिन तेंदुलकर सर है, और वहाँ पे आपको लिखा है स्पॉन्सर्ड। तो जब भी कोई इस आर्टिकल को रीड करने को आएगा और यहाँ पे इस एड यूनिट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे मैं मेरी एड पे क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि ये फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। तो जैसे यहाँ पे कोई क्लिक करेगा और इसमें जो जितना भी CPC और अर्निंग जनरेट होगी वो डायरेक्टली हमने जो 4 नंबर के वीडियो में पे आउट अकाउंट ऐड किया था इसमें वो लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफ़र का क्राइटेरिया है वो है $100 यानी कि एडसेंस की तरह। तो जैसे ही आपके अकाउंट में $100 कम्प्लीट हो गए वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जिस बैंक अकाउंट को आपके पे आउट अकाउंट में आपने ऐड किया है। तो ऐसा होता है इंस्टेंट आर्टिकल, और इस तरह से आप फेसबुक से आसानी से अर्निंग कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया हो कि आप किस तरह से फेसबुक से अर्निंग कर सकते हो, और मैंने ये पूरी सीरीज आपके लिए ही बनाई है। अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आसानी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगा। और आपको हमारे चैनल पर एक ईमेल एड्रेस मिल जाएगा चैनल का ऑफिशियल, वहाँ जाके हम आसानी से आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो मैं आपको पर्सनली सोल्व करके दूंगा। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो और इस चैनल को पसंद करते हो। अगर ये सब आपको पसंद आता है तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।